दोस्तों, क्या आप अपनी टैबलेट के लिए एक पेन ड्राइव लेना चाहते हैं? अगर लेना चाहते हैं तो मेरे पास है सैनडिस्क की अल्ट्रा ड्यूअल ड्राइव M3.0, जिसका आज मैं आपको एक तरह से अनबॉक्सिंग करके बताने वाला हूँ और बताने वाला हूँ कि ये जो पेन ड्राइव है ये टैबलेट के लिए कैसी साबित हो सकती है। दोस्तों, मैंने इसको बिना देर के अनबॉक्स कर लिया है और इसको ओपन कर लिया है यानी, तो अब मैं आपको बताता हूँ कि इसमें क्या क्या कुछ दे रखा है, फीचर्स वगैरह या फिर इसकी प्राइस। सो इसकी प्राइस आपको जो इस पर मेंशन है वो 2650 रुपये मेंशन है, लेकिन दोस्तों अमेजोन पर ये आपको 1300 रुपये के आसपास देखने को मिल जाएगी। इसकी प्राइस कर लो फ्लक्चुएट होती रहती है, जैसे सेल के दौरान आपको ये 1200 के आसपास देखने को मिल रही थी। ये 128 GB वेरियंट है इसका, ऐसा ही सेम 64 GB वेरियंट भी आता है, आप चाहे तो उसको भी बाइक कर सकते हैं। तो दोस्तों ये बात हो गई इसकी प्राइस को लेकर। दोस्तों फ्रंट पर आपको एक कूपन कोड देखने को मिल जाता है, जो कि आपको वाई एंड सीयर विन कॉन्टेस्ट कुछ चल रहा है इनका सैंडिस्क का, तो इस पर आप जाकर sandiskcontest.win पर जाकर अपना स्क्रैच कार्ड को, इसको स्क्रैच करने के बाद अपना कोड वगैरह वहां पर एंटर करके इसमें भी पार्टिसिपेट करते हैं, जहां आपको एक लैपटॉप वगैरह देखने को मिल जाएगा। लेकिन ये जैसे भी है, अब मैंने आपको बता दिया यहां पर कॉन्टेस्ट मेंशन था तो मैंने आपको इन्फॉर्म कर दिया इसके बारे में। अब दोस्तों बढ़ते हैं हम पेन ड्राइव की ओर। तो दोस्तों इस टाइप से एक पेन ड्राइव देखने को मिल जाती है, हम इसको वापस से निकाल लेते हैं और देखते हैं कि इसमें क्या क्या आपको कुछ देखने को मिल जाता है। तो दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हैं, काफ़ी कॉम्पैक्ट साइज़ की एक पेन ड्राइव देखने को मिल जाती है, जिसको आप आराम से अपनी की चैन वगैरह में कहीं भी फंसा कर रख सकते हैं। और अब मैं इसको स्लाइड करके दिखा देता हूं आपको। दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हैं, यहां पर एक ब्लू पोर्ट देखने को मिल जाता है, जो कि आपको USB 3.0 का सिग्नल है, यानी कि ये USB 3.0 सपोर्ट करती है पेन ड्राइव। तो अगर आपके जो लैपटॉप में 3.0 का सपोर्ट है तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं, और यूज़ करने के बाद काफ़ी अच्छे से इसकी हाई स्पीड का एंजॉय कर सकते हैं, काफ़ी अच्छे से इसमें डाटा वगैरह ट्रांसफर के लिए यूज़ कर सकते हैं। अब दोस्तों इधर देखें तो आपको माइक्रो USB पोर्ट देखने को मिल जाता है, और जिसके थ्रू आप अपने अपने टैबलेट को कनेक्ट कर सकते हैं, अपने मोबाइल फोन्स को कनेक्ट कर सकते हैं। अगर दोस्तों आपको एक टाइप सी वाली पेन ड्राइव चाहिए तो इसकी टाइप सी वाले भी सेम वेरिएंट आता है, बस उसकी प्राइस 100-200 रुपए ऊपर नीचे होती है। उसको भी जैसे कि आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अगर आपको टाइप सी वाली पेन ड्राइव चाहिए तो वो भी आप बाइक कर सकते हैं, वरना आप इसके थ्रू भी अपनी इसको टैबलेट में OTG के थ्रू जो टाइप ए पोर्ट है इसके थ्रू भी उसको वर्किंग करा सकते हैं। अगर आपके पास टाइप सी वाली टैबलेट है, यानी कि सैमसंग वगैरह की A7 या A10 वगैरह है, तो आप उसके थ्रू भी इसको कनेक्ट कर सकते हैं, वरना अगर आपके में माइक्रो USB पोर्ट है तो आप यहां से तो कनेक्ट कर ही सकते हैं इजीली। तो ये आपको देखने को मिल जाती है इस टाइप से पेन ड्राइव। बाकी मैं जो भी अच्छी पेन ड्राइव है उनके लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से आप बाइक कर सकते हैं। ये काफी कॉम्पैक्ट है। अब चलो इसको मैं अपने टैबलेट में यूज करके दिखा देता हूं किस टाइप से ये वर्क कर रही है, जल्दी से हम देखते हैं। दोस्तों जैसे कि आप देख चुके हैं कि मैंने पेन ड्राइव को ओपन कर लिया है और पेन ड्राइव इसमें लगा दी है। अब मैं इसको ओपन करके आपको दिखाता हूँ। ओपन करने के लिए आपको जैसे ही आप पेन ड्राइव लगाएंगे तो आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा कि आपने सैनडिस्क की USB ड्राइव को लगाया है। तो अब हम इसको एक्सप्लोर करेंगे। एक्सप्लोर करने के बाद ये गूगल की फाइल्स मैनेजर खुल गई है, और जो कि इसमें प्री इंस्टॉल आती है, और अब हम इसमें अल्ट्रा का ऑप्शन देखने को मिल जाता है, जिसमें 128 में से 123 GB आपको फ्री देखने को मिल जाती है। ये काफ़ी बढ़िया बात है। और इस टाइप से आपको सारे फोल्डर्स, ये प्री इंस्टॉल है, इसमें मैंने कुछ भी अभी तक इंस्टॉल नहीं किया, ये आपको देखने को मिल जाते हैं। एक सैनडिस्क का मेमोरी जोन ऐप इंस्टॉल करके एक ऐप देखने को मिल जाता है, जिसको मैं अभी आपको दिखाऊंगा। मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल कर लिया है ताकि आपको वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो। और बाकी एक क्विक स्टार्ट गाइड आपको देखने को मिल जाती है। तो दोस्तों इस टाइप से ये वर्किंग करने लगा है। अब हम इसको इसकी एप्लीकेशन के ओपन करके दिखाता हूँ कि इसमें आपको क्या खास बात देखने को मिल जाती है। दोस्तों ये मेमोरी जोन करके एक एप्लीकेशन है, जो कि इस टाइप से आपको ओपन होती है। ओपन करने के बाद अगर ये ऑटोमेटिकली रिकॉग्नाइज कर लेगी कि आपकी सैनडिस्क की जो पेन ड्राइव है यानी कि वो कनेक्टेड है। अब इसमें आपको तीनों चीज ऑटोमेटिकली दिखाई देनी स्टार्ट हो गई कि फोन, मेमोरी कार्ड और सैनडिस्क अल्ट्रा ड्राइव। तो दोस्तों इससे होगा क्या कि ये बेसिकली एक आपको एक मैनेजर टाइप की मिल जाती है, फाइल मैनेजर, जो कि आपको बैकअप लेने में मदद करती है। कि आप अगर अपनी पेन ड्राइव में बैकअप लेना चाहते हैं अपने फोटोज का, मीडिया का, वीडियोज का, जो भी मीडिया है आपकी उन सब का, PDF वगैरह का, तो आप इस ऐप की मदद से काफी ईजिली ले सकते हैं। और इसमें कुछ आपको सेटिंग्स में देखते हैं कि आपको क्या देखने को मिल रहा है। तो ऑटो लॉन्च ऐप, ये आपको बेसिक चीजें आपको देखने को मिल रही है, और व्हाट्सएप की मीडिया वगैरह क्लीन करने के लिए रिमाइंडर वगैरह देखने को मिल जाता है, ताकि आपकी जो स्टोरेज है वो बिना मतलब के फोटोज और वीडियोस से ना भरे। तो इस टाइप से कुछ ये देखने को मिल जाता है। अब दोस्तों मैं आपको कुछ फाइल्स वगैरह इसमें ट्रांसफर करके दिखाता हूँ कि इसमें कैसी स्पीड आपको देखने को मिल रही है।
सो दोस्तों, अब मैं आपको दो मेरे पास फाइल्स हैं, एक 104 MB की है, दूसरी 53 MB की। अब हम इनको ट्रांसफ़र करके देखते हैं कितना टाइम लगता है इनको ट्रांसफ़र होने में अब हमारी पेन ड्राइव में। तो यहाँ से मूव टू कर देते हैं, मैं गूगल की फाइल्स मैनेजर का यूज़ कर रहा हूँ इसको ट्रांसफ़र करने के लिए। अल्ट्रा पर क्लिक कर देते हैं, मूव हेयर कर देते हैं, अब देखते हैं कितना टाइम लगता है। सो दोस्तों, ऑलमोस्ट 200 MB को ट्रांसफ़र होने में आप समझ सकते हैं मात्र 1 से 2 सेकंड लगा है, 2 सेकंड के आसपास टाइम लगा है। तो काफ़ी बढ़िया स्पीड्स में देखने को मिल जाती हैं, तो ओवरऑल ये काफ़ी बढ़िया आपको देखने को मिल जाती है जो आपकी पेन ड्राइव है। तो अब हम इसको एक बार फिर से मूव कराते हैं, और इस बार मैं आपको जो इसकी ऑफिशियल एप्लीकेशन है ना उसके थ्रू ट्रांसफ़र करके दिखाता हूँ कि वहाँ पर कुछ आपको स्पीड का कुछ डिफरेंस वगैरह देखने को मिलता है क्या, और जल्दी ट्रांसफ़र होगी या फिर आपको सेम स्पीड्स देखने को मिल जाती है। अब मैंने इसको वापस से ट्रांसफ़र कर दिया है आपकी इंटरनल स्टोरेज में। अब हम इसकी जो ऑफिशियल एप्लीकेशन है उसको चेकआउट करते हैं कि उसमें कितना टाइम आपको देखने को मिल जाता है। तो दोस्तों, अब हम इसको यहाँ से ओके कर देंगे। ओके करने के बाद हमारा जो नॉर्मल इंटरफेस है वो ओपन हो गया है। अब हम फोन रिकॉर्डिंग्स थी, अब हम इसको यहाँ से इन दोनों को मूव कराते हैं। यहाँ से मूव कराने के लिए मूव के वो ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, सैंडिस्क अल्ट्रा, यहाँ पर हमें मूव कराना है मूव आइटम से। यार अब देखते हैं कितना टाइम लगता है। सो दोस्तों, ऑलमोस्ट उतना ही टाइम लगा है, और मेरे को तो ये लग रहा है कि इस एप्लीकेशन में हमें थोड़ा ज़्यादा 1-2 सेकंड्स देखने को मिली हैं टाइम के अकॉर्डिंग ट्रांसफ़र होने में। तो इस हिसाब से गूगल की जो एप्लीकेशन है फाइल्स वाली, यही बेस्ट है, इसके थ्रू ही आप जो डाटा है वो ट्रांसफ़र कीजिए, काफ़ी बढ़िया है। इसको ना ही इंस्टॉल कीजिए फिर, कोई इसकी ज़रूरत नहीं है। खाली अगर आपको करनी है इंस्टॉल तो करिएगा, अगर आपको ये ठीक लग रही है तो, वरना गूगल की फाइल से आप डाटा इधर उधर ट्रांसफ़र कर सकते हैं, इसको बाई कर सकते हैं। हम अमेज़ोन में, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड करा दूंगा इस पेन ड्राइव का, जो कि सैंडिस्क की तरफ से आने वाली है। इसके यार डिफरेंट वेरिएंट्स आते हैं, ये 128 GB वाला है, आप इसका 64 GB वाला और 32 GB वाला शायद आता है या नहीं आता, मैं आई एम नॉट श्योर, बट 64 वाला जरूर आता है, वो आप खरीद सकते हैं अगर आपको अच्छा लगा। और जो इसके टाइप सी वाली पेन ड्राइव आती है वो भी आप खरीद सकते हैं, वो भी काफ़ी बढ़िया होती है। तो अगर आपको अच्छी लगी ये वीडियो तो इसको लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, मैं ऐसी टैबलेट्स रिलेटेड वीडियो अपने चैनल पर अपलोड करता रहता हूँ।